हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडिट पर तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के परपजेस से तो आप इसे ज़रा ढंग से देखिएगा आइए हाँ देखते हैं अ सेल हैज टू बी डिस्टिंगइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट टू सेल सेल को डिस्टिंगाइज करना है हमें एन एग्रीमेंट टू सेल से द बेसिक डिस्टिंक्शन इज स्टेटेड बाई सेक्शन फोर सेक्शन थ्री इन द फॉलोइंग वर्ड्स हम Subsection, हम सेक्शन फोर पढ़ चुके हैं उसमें हमने सब सेक्शन थ्री में देखा था जो सेल है और एग्रीमेंट टू सेल है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं आइए देखते हैं ये है हमारा सब सेक्शन थ्री वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल जहां पर जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स होती है वो सेलर से बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी जाती है वो सेल होता है और जबकि एन एग्रीमेंट टू सेल वो होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्यूचर टाइम के लिए या कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है कि इस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ही सेलर से बायर को जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो करा जाएगा तो इसलिए एन एग्रीमेंट टू सेल होता है बट वे आर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेकन प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल ठीक है अब आके देखते हैं हम इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें सबसे पहला डिफरेंस होता है एन एग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल वेयर इज अ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस अ एन एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो प्योर और सिंपल होता है जस्ट जस्ट अ अ इट इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर इज इज अ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट प्लस अ कन्वीएंस सेकेंड डिफरेंस देखते हैं हम इसमें बाय एन एग्रीमेंट टू सेल इज क्रिएटेड बाय अ सेल अन रम ऑल्सो इज ट्रांसफर्ड ये ये मैक्सिम होती है अजसिन परसोन जो सेल होती है वो जो आपके पास स्पेसिफिक गुड्स होती है वो उसी चीज के लिए होती है जबकि जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो ऐसे गुड्स के लिए होती है जो फ्यूचर टाइम में आती है या कोई जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है एन एग्रीमेंट टू सेल इज मोस्टली इन केस ऑफ फ्यूचर एंड कॉन्टीजेंट गुड्स फॉर डिफरेंस देखते हैं हम इन अ सेल द प्रोपर्टी इन द गुड पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बाय इमिजिएटली सो डेट द सेलर इज नो मोट द ओनर ऑफ द गुड्स सोल्ड जहां पर जो प्रॉपर्टी जो सेल होते हैं उसमें जो प्रोपर्टी इन द गुड्स होती है वो सैलर से बायो को इमिजिएटली ट्रांसफर कर दी जाती है तो सेलर उस गुड्स का ओनर नहीं रहता है बट इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम जहां पर एन एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें जो ट्रांसफर होगा वो फ्यूचर टाइम में होगा इन दिस सेंस अ सेल इज एन देंसल कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अब हम इसमें फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं इन अ सेल इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस वॉल्स ऑन बायर इवन दो गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर जहां पर सेल हो जाती है वहां पे जो जो भी लॉस होगा उस गुड्स का वो बायर के ऊपर डाला जाएगा जबकि जो पोजेशन होता है वो सेलर के पास हो लेकिन इन एन एग्रीमेंट टू सेल इफ द गुड्स आर डेस्ट्रॉयड जहां पर एन एग्रीमेंट टू सेल होगा वहां पर अगर गुड्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है द लॉस फॉल्स ऑन द सेलर जहां वो जो लॉस होगा वो सेलर पर आएगा इवन दो द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर समझ आया अब इससे सिक्स डिफरेंस देखते हैं हम इन अ सेल इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर द सेलर कैन सी फॉर द प्राइज इवन दो द गुड्स आर स्टिल इन दिस पोजेसन जो सेल होती है अगर वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है या किसी भी तरह की धोखेधड़ी फ्रॉड कर दिया जाता है तो जो बायर द सेलर कैन सी फॉर द प्राइज तो बायर बायर सेलर को स्यू कर सकता है या उसे मतलब किसी भी आप कह सकते हैं कोर्ट में जा कर उसे स्यू करना Uh, वो कर सकता है फॉर द प्राइस इवन स्टिल इन द जबकि जो बायर के पास है वो अभी भी उसका है इन एन एग्रीमेंट टू सेल इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर द सेलर कैन ओनली सी फॉर डैमेजेस एंड नॉट फॉर द प्राइस इवन दो दुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर जो एग्रीमेंट टू सेल होता है इफ़ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर अगर उसमें बायर की तरफ से कोई ब्रीच कर दी जाती है द सेलर कैन ओनली सीव फॉर डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है और प्राइस के लिए स्यू नहीं कर सकता ठीक है अब इसमें हम अगला डिफरेंस देखते हैं डिफरेंस नंबर सेवन इन सेल द रिस्क ऑफ लॉस इफ एनी ऑफ द गुड्स इज ऑन द बायर सेल में जो भी लॉस का रिस्क होगा वो बायर पर होगा बट इन एन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर रिमींस द ओनर ऑफ द गुड्स एंड देयर फॉर ही रन ऑल द रिस्क ये एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर होता है वो रहता है ओनर ऑफ द गुड्स देर फॉर ही रर्न ऑल द रिस्क जो भी रिस्क होता है वो सेलर पड़ता है एंड एग्रीमेंट टू सेल में बट इन अ सेल बायर पे पर पड़ता पर है ये बात कही गई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ताराचंद में याद रखिएगा इसमें केस लॉज भी बता देंगे तो वो सही रहेगा उससे ज्यादा नंबर मिलते हैं आगे देखते हैं नंबर एट इन अ सेल इफ द बायर बिकम्स इंसॉलवेंट बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स अगर सेल होती है जहां पे जो प्रॉपर्टी होती है वो इमिजिएटली ट्रांसफर कर दी जाती है अगर उसमें जो बायर है वो इंसॉलवेंट हो जाता है इंसॉलवेंट को हिंदी में बोलते हैं मतलब उसके पास कुछ बचता नहीं है कुछ पैसे वगैरह या उसका कब सब उसके जो बैंक वगैरह होते हैं वो सब सील हो जाते हैं बिकम्स इंसॉलवेंट बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स अगर बाय इंस्टॉलमेंट हो जाता है जो गुड्स का प्राइस पे देने से पहले ही इन सेंस ऑफ अ लाइन ओवर द गुड्स मस्ट रिटर्न देम टू द ऑफिशियल रिसीवर और अजाइनी जो जो सेलर होता है अगर उसके पास लाइन का कोई भी राइट right नहीं है तो वो ऑफिशियल रिसीवर को वो रिटर्न कर देता है ही कैन ओनली क्लेम ही कैन ओनली क्लेम अ रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स वो सिर्फ एक जो मात्रिय डिविडेंट होता है वो ही क्लेम कर सकता है बायर से और वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता बट इन एन एग्रीमेंट टू सेल इफ बायर बिकम्स इंस्टॉलमेंट अगर एन एग्रीमेंट टू सेल में जो बायर होता है वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है एंड हैज नॉट येट पेड द प्राइस और उसने जो गुड्स का वो प्राइस पे नहीं किया है द सेलर इज नॉट बाउंड टू पार्ट विद द गुड्स एंडिल ही इज पे एंटिल ही इज पेड फॉर जो जो सेलर होता है वो गुड्स भेजने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है जब तक कि वो उसके पे नहीं कर देता जब तक जो बायर है वो उसको सेलर को पे नहीं कर देता ठीक है तो इसमें हमने देखे एग्री सेल एंड एंड एग्रीमेंट टू सेल में हमने इसमें एट डिफरेंसेस देखे आप देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम परपज से होता है बी एल एल बी जो भी फाइव ईयर या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कोर्स में अगर आपके पास ये है सेल्स ऑफ गुड्सैक्ट तो उसमें सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसको आप अगर अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं अच्छे से इसे समझ लीजिए ओके तो हम अगले क्लास में मिलते हैं ओके टिल देन टेक केयर बाय बाय टाटा सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू